नमस्कार दर्शकों, बुलेट जैसी फास्ट खबरें देखने के लिए चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। गुरदासपुर, भारत पाक के रिश्तों के लिए बड़ा दिन, उपराष्ट्रपति द्वारा करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला कार्यक्रम। 16/11 मुंबई हमला आज भी ताजा है, पीड़ितों के जख्म लोग भुलाए नहीं भूलते वो खौफनाक मंजर। अजमेर में राहुल गांधी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत की। अयोध्या से नागपुर तक वीएचपी आरएसएस के निशाने पर, हाईकोर्ट राम मंदिर के लिए आंदोलन के लिए दिए संकेत। कालेधन पर जानकारी देने से पीएमओ ने फिर किया इनकार, सीआईसी के आदेश भी नहीं आया काम। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस के लिए मंदिर और गाय चुनावी मुद्दा, बीजेपी के लिए संस्कृति। दिल्ली में बैटरी चोरी के शक में भीड़ ने 3 लोगों को बुरी तरह से पीटा, उसमें से एक की हुई मौत। मऊ में दबंगों ने पुराने विवाद को लेकर दुकान में पेट्रोल डालकर लगा दिया आग। उमा भारती बोली, राम मंदिर बीजेपी का पेटेंट नहीं, आजम और ओबीसी भी साथ आए। चंद्रशेखर राव के वादे पर अमित शाह का बयान, बीजेपी कभी भी धर्म आधारित आरक्षण की इजाजत नहीं देगी। हिमाचल प्रदेश में फिर दर्दनाक हादसा, बस नदी में गिरी, 9 की मौत, 91 घायल। धर्मसभा पर योगी मंत्री का तीखा बयान, मुसलमानों की थपथपाई पीठ। राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद ये है गहलोत का सपना, राहुल के फैसले पर भरोसा। रेवंत ने कहा कि वाईएसआर की कल्याणकारी योजनाएं आज भी लोगों के दिल में बसी हैं। मध्य प्रदेश में थम चुका है चुनाव प्रचार, राजस्थान में रण में उतरेंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी। टीका सभी बच्चों को लगवाना चाहिए, ये बेहद जरूरी है, ये कहा है विधायक भिंगा मोहम्मद असलम रायनी ने। करतारपुर कॉरिडोर कैप्टन की पाक को खरी खरी, कहा कायराना हरकतें नहीं चलेंगी, हमारा खून भी खोलता है। राष्ट्रपति कोविंद ने सीजेआई से कहा, लोगों को न्याय मिलना जरूरी है, स्थगन जरूरी नहीं है। गहलोत का पलटवार, बोले पीएम मोदी की मां पे बात पर भावुक होते हैं और नेहरू सोनिया का जिक्र फिर बार बार क्यों होता है। विमान यात्रा हुई और महंगी, वेब चेन इन इंडिगा और स्पाइस जेट ने लगाया चार्ज। अमित शाह ने इंदौर दौरे के दौरान खाए भुट्टे का कीस, रबड़ी और फालूदा। 2011 मुंबई हमला, अमेरिका ने कहा गुनाहगारों को सजा न मिलना पीड़ितों के लिए अपमान है, हाफिज और लखवी पर इनाम और बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों तक पहुंची बात, शरद यादव ने कहा प्रधानमंत्री रोज 6 से 12 बदलते हैं कपड़े। जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का ऐलान, राज्यपाल के आदेश के खिलाफ कोर्ट नहीं, जनता की अदालत में जाएगी। बिहार एनडीए में झगड़े के बीच उपेंद्र कुशवाहा की आखिरी कोशिश, अब पीएम मोदी से मांगा मिलने का समय। राजस्थान विधानसभा चुनाव, भीलवाड़ा में पीएम मोदी का राहुल पर तंज, कहा ना छुट्टी ली ना 7 दिन तक कहीं लापता रहा। बदलते मौसम के साथ दिल्ली में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, पिछले 7 दिनों में 260 मामले आ चुके हैं सामने। आम आदमी पार्टी के 6 साल हो चुके हैं पूरे, चर्चा में रही इतने दौरान। महाराष्ट्र के सीएम का कांग्रेस अध्यक्ष पर तीखा हमला, कहा राहुल पार्ट टाइम नेता है। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2019, बिहार बोर्ड ने नकल पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी की। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज इंडिया, नमस्कार।